Good afternoon, Sudhi. चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? Basidiomycetes से पढ़ाना है। अच्छा चलो ओके, Basidiomycetes स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग डिस्कस कर लिए थे Oomycetes, Ascomycetes और Zygomycetes। मयंक आप आवाज सुन पा रहे हैं? मयंक, अपना माइक ऑफ करें। मयंक आपको माइक ऑन है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? Basidiomycetes। ये बताइए इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम कुछ डाउट हो तो बताइए। बोलिए, किसी को कुछ डाउट कुछ प्रॉब्लम इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए हैं? सुजीत, निशांत, आद्या, रिप्लाई तो करो। यस नो, कुछ किसी कुछ पूछना है हम जो डिस्कस किए इसके पहले? गिबरेलिन, ओके। देखो यार, ये तुम्हें निशांत पहले बोलना चाहिए ना, तुम बैठे रहते हो। देखो ये क्या होता है यार, गिबरेलिन। ये आपको क्या है? गिबरेलिन, इसको कहते हैं प्लांट हार्म। प्लांट हार्म समझो, ये जो प्लांट हार्मोन है ये होता क्या है आगे आप पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन बहुत होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ABA एसिड कहते हैं, ठीक है, इथाइलिन कहते हैं। ये सब आपके क्या है? प्लांट हार्मोन है ये सब, ठीक है। उसी तरह से इसमें जो आपका गिबरेलिन है यह आपका प्लांट हार्मोन। यह सबसे पहले एक फंगस से ऑब्टेन किया गया था, एक फंगस निकाला गया था जिसका नाम क्या है, गिबरेला फ्यूजिकुरोई। ये उस फंगस का नाम है जिससे यह आपका जिबरेलिन निकला। अब इसका काम क्या होता है, इस जिबरेलिन को जिस किसी प्लांट पे डाल दो, किसी भी प्लांट मार्केट में अवेलेबल है, मिलता है, जिस प्लांट पे डालो प्लांट की साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हम कह सकते हैं प्लांट इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट इंक्रीज इन लेंथ मतलब साइज में बढ़। ठीक है, ये कभी पूछा जाता है जिबरेलिन सबसे पहले किससे निकाला गया था, वो जिबरेला। अब अगर हम बात करें, वहां पर मैं लिख पाया था फिलिश डिजीज ऑफ राइस, ठीक है, या उटाइटा, तो हम कह सकते हैं कि जब ये था क्या कि वहाँ पे धान के पौधे थे, ये सब साइज के थे धान के पौधे, तो आप जानते हो उसमें एक पौधा ऐसा था जो साइज में बढ़ गया। अब जब साइज में बढ़ गया तो किसान ने जब देखा इसे, इस धान के पौधे का नाम दे दिया पुलिस डिजीज ऑफ राइस, पुलिस डिजीज ऑफ राइस, ये इसका नाम दे दिया, मतलब धान के पागलपन का रोग इसका नाम दे दिया। ठीक है, समझ में आया निशान। बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला यहाँ पे यह जिबरेलिन नामक केमिकल प्रेजेंट है। निशान समझ में आया या भी नहीं है बताओ, दूसरे तरीके से बताएं। ओके चलो, अब हम लोग बात करें हमारा जो अगला फंगस है, ये कौन सा है, बैसिडियोमाइसिस। देखो यार, हम बार बार कहेंगे आप लोग से, इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, यह आप लिखना सफिशिएंट। ठीक है, आप चाहे एबीसी बुक लिए हों, चाहे वो भाटिया लिए हों, आरबीसी को जीआरबी पब्लिकेशन, कोई भी बुक लिए हों, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना, ये आपके लिए सफिशिएंट। बाकी आइए, अब बैसिडियोमाइसिस का एक नाम है, क्या नाम है इसको, इसको क्या कहते हैं, क्लब फंगी, क्लब फंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि वह कौन सा फंगस का क्लास है जिसे क्लब फंगी कहते हैं, कौन सा है, बैसिडियोमाइसिस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो हम लोग जो बात किए थे डॉलीपोर सेप्टा, तो देखा होगा, हमने आपको बताया था सेप्टा जो होता है वो दो तरह से होता है, फिगर में ड्रॉ किया था, ध्यान दीजिएगा। ये हमने बताया था, इसे क्या कहते हैं, डॉलीपोर सेप्टा। आपको याद होगा। अब आपको पहला करेक्टर ध्यान देना है कि जो बैसिडियोमाइसिस होते हैं इसमें सिंपल फोर सेप्टा नहीं बल्कि डॉलीपोर सेप्टा पाया जाता है। चलिए इसका पहला करेक्टर लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, हम लिखेंगे सबसे एडवांस होता है, मोस्ट एडवांस, एडवांस मतलब आप जानते ही होंगे, मोस्ट एडवांस, कॉमनली सीन फंगस, कॉमनली सीन फंगस या फंगी, हैव लार्ज फ्रूटिफिकेशन, फ्रूटिफिकेशन ये भी हमने आपको बताया था, फ्रूटिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल मशरूम, एग्जाम्पल मशरूम, ये ध्यान दीजिएगा। और भी फंगस होते हैं मशरूम के बाद, पफबॉल, PUFF balls, और भी होता है ब्रैकेट फंग। ये इसके क्या है एग्जाम्पल, इसके बैसिडियोमाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर बेस्ट डिकम्पोजर। They are best decomposer of wood। जो पुरानी लकड़ी होती कहीं पर काट के रखी तो उसके ऊपर आराम से ऊपर जाती। बिकॉज एबल, क्यों ऐसा होता है आगे लिखेंगे। बिकॉज एबल टू डिकम्पोज both cellulose and lignin, both cellulose and lignin, next point lignin is not metabolized by other fungi, not metabolized by other fungi and even bacteria, other fungi and even bacteria. अभी एक यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देना, कभी पूछ देता है कि अगर पेड़ हरा है, अगर वो डिकम्पोज होने लगा, सूखने लगा तो कैसे हो सकता है, तो वहाँ भी आपको होता है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा कॉजेज decay of wood, decay of wood on standing tree। ये आप नोट करें। नेक्स्ट, motile cell are absent, motile cell are absent। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइसीलियम की बात। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, ओके। अभी साइकिल और हो जाए तब ना। चलिए ध्यान से, चलो अब हम बात करेंगे माइसिलियम। अब हम जब माइसिलियम की बात करेंगे, माइसिलियम कितने टाइप्स होते हैं, आप कह सकते हैं 2 टाइप्स। वैसे होते हैं 2 टाइप्स, कौन कौन से। पहला आपका होता है प्राइमरी, primary mycelium. इसमें क्या होता है, इसको एक नाम से और जानते हैं मोनोकैरियोटिक फेज। मोनोकैरियोटिक फेज। अब हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया प्राइमरी माइसिलियम। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे आर मोनोकैरियोटिक एंड शॉर्ट लिव्ड। दे आर मोनोकैरियोटिक एंड शॉर्ट लिव्ड। ये हो गया अब कंडीशन ये होती है इनका काम क्या होता है, तो आगे हम लिखेंगे दे मल्टीप्लाई बाई ओइडिया, मल्टीप्लाई बाई ओइडिया कोनिडिया लाइक स्पोर, एंड पिक्नियोस्पोर। अब दूसरा क्या हो जाएगा नंबर 2 सेकेंडरी माइसिलियम। हमने आपको बताया था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, जिसको पता हो तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्राइमरी माइसिलियम, ये हो गए प्राइमरी माइसिलियम दोनों, ठीक है। अब जब दोनों फ्यूज करेंगे ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से। अब देखो ये हो गया प्राइमरी माइसिलियम और ये भी हो गया प्राइमरी माइसिलियम, और ये देखो फ्यूजन से बना है, इसे कहेंगे सेकेंडरी माइसिलियम। क्या कहेंगे इसे? सेकेंडरी माइसिलियम। ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं इसे डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज ब्रैकेट बंद। दे आर डाइक, दे हैव डाइकैरियोटिक सेल, दे हैव डाइकैरियोटिक सेल। And long lived. That is dominant phase of life cycle. That is dominant phase of life cycle. अब इस दोनों समझ में आ गया, ठीक नहीं है बताइए। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट कर लीजिए। फोन करते हैं हो गया। हाँ सब एक्सप्लेन करते हैं, सब आप नोट कर लीजिए सुजीत, हम सब एक्सप्लेन करते हैं। हो गया सबका? चलिए देखिए, यहाँ पर हमने बताया, जैसे पहले ये समझिए, हम पूरी कहानी सुना रहे हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया प्राइमरी माइसीलियम। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हो, सपोज अगर निगेटिव है, ये क्या होगा पॉजिटिव, दोनों क्या है प्राइमरी माइसीलियम। तो यहाँ पे देखिए एक एक न्यूक्लियस है दोनों में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मोनोकैरियोटिक, ये आप समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन लिखा गया सॉल्ट के, अब आप जानते हैं कि जब ये दोनों मिलेंगे तो इसे कैंपरी बन जाएगा, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए लिखा गया सॉल्ट। ये क्लियर हो गया। अब फिर लिखा गया दे मल्टीप्लाई बाय कोडिया। कभी कभी क्या होता है इस प्राइमरी माइसीलियम के ऊपर यहाँ से एक एक पार्ट टूटता रहता है, ये अलग होता रहता है। अब ये बना देगा एक ओइडिया, ये वाला बनाएगा एक अलग ओइडिया, और यह एक ओइडिया जब यहाँ से अलग होगा ये बना देगा फिर से प्राइमरी माइसीलियम। यहाँ लिखा गया दे मल्टीप्लाई, मतलब यह अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है ओइडिया। फिर क्या करा कोनिडिया लाइक, देखिए अब जैसे कोनिडिया बनता है उस तरह कभी कभी यहाँ पे एक स्पोर भी बनता है, इसीलिए लिखा गया कोनिडिया लाइक स्पोर। फिर लिखा गया पिकनियो स्पोर, यहाँ पे एक स्पोर और बनता है, उसे क्या कहते हैं पिकनियो स्पोर। ठीक है, तब कह सकते हैं इस तरह के स्पोर्स के द्वारा ये क्या करता है अपनी संख्या को बढ़ाता है, कौन प्राइमरी माइसीलियम। समझ में आया सुजीत? सुजीत क्लियर हुआ? बोलो यार सुजीत, इतना क्लियर हुआ? चलो अब देखो, फिर लिखा गया है देखो, देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कब, जब यहाँ पे वो क्या कहते हैं फ्यूजन होता है, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी देख के नहीं कर सकते। ठीक है ना, देख के आप नहीं पहचान सकते क्योंकि इतने छोटे होते हैं ये देख के आप कतई नहीं पहचान सकते। वो डिपेंड करता है, वो जो फ्यूज करते हैं उस समय आप पहचान सकते हैं। ठीक है सौरभ, सौरभ चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, लिखा गया सेकेंडरी माइसीलियम। ये कैसा था डाइकैरियोटिक फेज, आप जानते हैं जब इसका न्यूक्लियस आएगा इधर से एक, इसका न्यूक्लियस आएगा इधर से दो हो जाएगा। अब ये दोनों जब बढ़ेंगे सभी में दो न्यूक्लियस होगा, इसीलिए इसका नाम लिखा गया डाइकैरियोटिक। फिर क्या लिखा गया दे हैव डाइकैरियोटिक सेल। अब देखिए इस सेल में दो न्यूक्लियस है डाइकैरियोटिक, इसके पास भी है, इसके पास। फिर लॉन्ग लीफ, अब आप जानते हैं यही जो होता है जो आप मशरूम खाते हैं, मशरूम में जो ऊपर आप छतरी की तरह खाते हैं, यह आपका टोटल बनता है, इससे इसी से बनता है सेकेंडरी माइसीलियम। समझ में आया? इसीलिए क्या होता है आप देखो मशरूम में पूरी बॉडी ज्यादा समय तक रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लॉन्ग लीफ। और फिर क्या लिखा गया ज्यादा समय तक रहता है, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं कि अगर इस मशरूम की लाइफ 30 दिन है तो ये 10 दिन इसमें क्या होगा प्राइमरी माइसीलियम, और 20 दिन में जो बन जाएगा सेकेंडरी माइसीलियम। ये क्या होता है ज्यादा है, जो ज्यादा समय तक जिंदा रहता है उसे कहते हैं डोमिनेंट फेज। सबको क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, सबको क्लियर हो गया? बोलो यार। चलो अब देखो, कभी कभी आपसे एक चीज और पूछता है क्लैम्प कनेक्शन, उसकी हम बात करते हैं। देखो लिंक डाल लो, क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन पहले समझो, तो अगर हम कहते हैं जैसे हमने कहा था ये आपका होता है यहाँ पे दो न्यूक्लियस, अब देखते हैं फिर क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियस आपके डिवाइड, फिर हमने आपको बताया था ये जो डिवाइड होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे सेप्टा इस तरह से बनता है, दो यहाँ पे चले जाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ, हमने आपको पहले बताया था। फिर कंडीशन क्या होती है, ये नीचे वाले आकर के पूरे मिल जाते हैं, ये पूरा आके यहाँ से इसमें मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों नीचे से हो गए, यहाँ पे ये हो गया। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, क्लैम्प कनेक्शन। अगर हम फिगर बनाना चाहें हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए अगर हम कह दें यहाँ पे ठीक आपका ये है डॉलीपोर सिस्टम बना रहे हैं छोटा सा। अब कंडीशन क्या होगी, ये आकर के इससे मिल रहा है ट्यूब के द्वारा ये। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक डॉलीपोर सिस्टम होगा, देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, यहाँ पे भी दो न्यूक्लियस। इसका मतलब समझ सकते होंगे कंडीशन क्या है, यहाँ का एक न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ पे आया, यहाँ का एक न्यूक्लियस डिवाइड करके यहाँ, ठीक है। यही कंडीशन देखिए हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, क्लैम्प कनेक्शन। समझ में आया सबको? हम थियरी लिख सकते हैं, ये समझते रहिए कि हम थ्योरी लिख रहे हैं, तो बताइए नहीं और फिर बताएंगे। इट इज ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग स्टेट। Two neighboring cells. Next point, clamp connection. चलो समझ नहीं आया, चलो देखो चलिए खूब भी बता रहे हैं। क्लैम्प कनेक्शन help in migration of nucleus from one cell to another to and other result dikaryotic or binucleate cell dikaryotic or binucleate cell. सेल दस दस इट इज चेन ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम Basidiomycetes। नोट करिए, फिर हम आपको चीज समझाते हैं। हो जाए बताइएगा। चलो अच्छा हो गया। सुजीत आपका भी हो गया। हमेशा का हो गया। हाँ सुजीत बता रहे हैं, पहले हो तो जाए आप लोग का। हो गया सर। चलिए देखो यहाँ पे लिखा गया, पहले आप थियोरी समझो फिर हम फिगर्स बता रहे हैं। क्लैम्प कनेक्शन क्या लिखा? इट इज ट्यूबुलर रिलेशंस। ट्यूबुलर मतलब बेलनाकार। बोला किसके किसके बीच? बिटवीन टू नेबरिंग सेल। मतलब यह क्या होता है? ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है दो बगल वाली सेल के बीच। फिर क्या है? क्लैम्प कनेक्शन हेल्प इन माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है मूव करना ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन सेल। मतलब एक सेल से न्यूक्लियस मूव करता है टू अदर सेल। ठीक है, अदर सेल रिजल्ट डाइकैरियोटिक और बाइकैरियोटिक, बाई न्यूक्लियस। मतलब हम कह सकते हैं यह हमारी एक सेल है। ध्यान दें, एक बहुत चौड़ा बनाए, समझो इसको हम जो उससे बना दिए थे। ये देखो ये सब क्या है? एक एक सेल। यहाँ पे ये मोनोकैरियोटिक है ना। जल्दी बोलो, साथ बोलते चलो, बोलो यार। मोनोकैरियोटिक है ना ये। चल अब देखो सुजीत क्या होता है। ये मोनोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे जो टर्मिनल सेल होती है, हमने आपको बताया था इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और ये बन जाएगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियस। अब बताओ जब ये डिवाइड हुआ तो ये बनाया, यहाँ पे न्यूक्लियस ये डिवाइड हुआ ये, ठीक है, दो दो बन गए। अब कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे तो लिखा गया है ट्यूबुलर रिलेशनशिप। ये देखो ये ट्यूब लाइक रिलेशनशिप बन रहा है इसके और इसके बीच, ठीक है। अब हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ बन जाएगा। समझ में आई बात? कितना समझ में आया जी? बोलते चलो यार साथ, फटाफट। समझ में आया? यस। अब ये बताओ कि जब ये डिवाइड, इसी तरह यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा इसका भी डिवीजन होगा, इसके ऊपर जो होगा उसका भी डिवीजन होगा। ये अपना ऐसे चलता रहेगा। हम तो दो का बता दें। अब ये बताओ जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसमें से एक न्यूक्लियस ये निकलेगा यहाँ पे आएगा, और इसका वाला एक न्यूक्लियस निकला तो यहाँ। जब एक इधर से आया और एक यहाँ, दो में से एक बचा हुआ है, ये दो न्यूक्लियस बन गए। और इसीलिए देखो क्या लिखा गया है? कनेक्शन हेल्प इन माइग्रेशन, मतलब मूव करना ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वन सेल टू अनदर रिजल्ट डाइकैरियोटिक बाइन्यूक्लियर। समझ में आया सुजीत? सुजीत क्लियर हुआ? चलो इसी तरह देखो हमने ये बताया था, जैसे ये आपका जब ये दो प्राइमरी फ्यूज किया, यहाँ से आउटपुट निकला, ये आपको बन गया सेकेंडरी। ये दो न्यूक्लियस हो गए, एक इधर का एक इधर का। अब ये आउटपुट बढ़ता है जब ये मुड़ता है इस तरह से। अब जब मुड़ा तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो, देख रहे हो ना, दो था, एक इधर पॉजिटिव वाला, दूसरा इधर नेगेटिव वाला। और जब ये डिवाइड होने लगा तो चार बन गए। अब इसमें क्या होता है? ये हुक और थोड़ा सा बढ़ता है इस तरह से, देखा ये थोड़ा सा और बढ़ा। अब ये जब डिवाइड हो गया तो देखो होता क्या है, यहाँ से एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा, एक न्यूक्लियस को डिवीजन इस तरह दिखा तुम्हारा, देखो हम पे एक ये था एक ये डिवाइड। अब बताओ ये अगर यहाँ से बटेगा तो ये वाला देखो यहाँ हो गया और ये दूसरा वाला यहाँ हो गया, ये बटेगा ये वाला देखो यहाँ चला गया ये वाला यहाँ। अब क्या होगा, यहाँ एक बीच में पट्टी इस तरह से बनती है कि बीच में दो न्यूक्लियस होते हैं, ऊपर नीचे एक न्यूक्लियस। इतना समझ में आया जी? अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे आ करके यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमने क्या बताया आपको, ये ऐसी कंडीशन आ गई, ये आ करके ये मिल गया, ये आके इसमें सट गया, मतलब यहाँ से आया और आते आते इसमें सट गया इस तरह से। अब जब सट जाएगा तो ये बताइए इधर चला गया, ये ऊपर वाली जैसा जैसे हो गई। अब ये बताइए दो न्यूक्लियस पास होगा कि नहीं होगा यहाँ पे जी, होगा ना ये। अब इसी पूरी अवस्था को क्या कहते हैं, क्लैम्प कनेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे चाहे बताओ चाहे हमने ये बता दिया ऐसे, समझ में आ गया सुजीत? सुजीत समझ में आया? चलो, और भी किसी को अगर डाउट हुई बता देना, या सबको समझ में आ गया तो बताओ हम आगे चलें। तब कभी कभी पूछ देता है क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है, ये पूछता है आपसे, ये किसमें पाया जाता है, बैसिडियोमाइसिट्स। क्या होता है, कभी कभी पूछता है क्लैम्प कनेक्शन जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के बाद क्या बनता है, और जानते हैं इस प्रोसेस पर बनता है डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस। यहाँ लिखा गया ना डाइकैरियोटिक बाइकैरियोटिक सेल। आगे चला जाए, बोलो आगे चला जाए, चलो ओके। अब इसका देखो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसमें देखिए हमने जितना बताया उसमें कहाँ पे कैसे दिया है आप समझिए। एनसीईआरटी आपको खोल लीजिए अपना, बैसिडियोमाइसिट्स। चलिए हम रीडिंग लगा रहे हैं, शुरू करें। आद्या रीडिंग लगाएं, सुजीत, आद्या, अमीषा। चलो देखो इसमें क्या दे रहा है, कॉमनली नोन फ्रॉम बैसिडियोमाइसिट्स आर मशरूम। हमने बताया था बैसिडियोमाइसिट्स जितने होते हैं क्या कहते हैं, मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल। हमने ये सारे नाम पहले लिख दिए थे आपको, ब्रैकेट फंगी, पफ बॉल। आप देखिए वहाँ पर हमने लिखा था, क्या लिखा था, मशरूम, टूरिस्ट, पफ बॉल, ब्रैकेट फंगी इत्यादि। फिर देखिए क्या कह रहा है, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प। अब देखिए ट्री स्टम्प की बात कर रहा है, हमने वहाँ पे एक चीज़ आपको लिखवाया था गैनोडर्मा, जो क्या होता है स्टैंडिंग ट्री पे ग्रो करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। हमने ये बता दिया आपको, प्लांट बॉडी पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट, ये आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, हम लोग बात कर चुके हैं माइसीलियम ब्रांच होता है सेपरेट होता है। क्या कर रहा है, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। अब इस तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द सिक्स आर्गन आर एब्सेंट यहाँ होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। अब हम लोगों ने इसको पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ा था, सोमैटोगैमी। ये उसी सोमैटोगैमी को इस तरह से कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर जीनोटाइप। देखो डिफरेंट स्ट्रेन की बात कर रहा है, हम लोगों ने बात किया था, एक क्या होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव। फिर क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। अब देखिए यही कर रहा है कि जब यहाँ पे दो प्राइमरी फ्यूज करेंगे तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा होगा, डाइकैरियोटिक। हम लोगों ने ये चीज भी देखा था, अभी बात की हम लोग। फिर क्या करा, विच अल्टीमेटली गिव राइज बैसिडियम। अब हम लोग बैसिडियम की बात करेंगे। इसने क्या कहा, बैसिडियम क्या बनता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बैसिडियोस्पोर, बैसिडियम आपने देखा था, हमने बताया था ये इस तरह से होता है, यहाँ से ये निकलता है, एक दो तीन चार, याद है हमने आपको बताया था, ये हो गया बैसिडियम। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक एंड अल्टीमेटली गिव राइज बैसिडियम हो गया। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग फोर बैसिडियोस्पोर। हमने बताया था बैसिडियम हो गया, इसमें कैरियोगैमी होता है, मियोसिस चार बनते हैं, दो आपके पॉजिटिव बैसिडियोस्पोर, दो आपके नेगेटिव बैसिडियोस्पोर। The Basidium are exogenous produce Basidium, tuber Basidia. The Basidium arranged in fruiting body called Basidiospore. हमने बताया था ये सारी fruiting body क्या कहलाती है, Basidiospore। Basidiospore। फिर क्या करा, Ustilago, Puccinia and, समझ में आया? रीडिंग लगाया मैंने, क्लियर हुआ सबको? बोलो जल्दी बोलो जी। हाँ चल, अब देखो यार, हमने जो बताया था, जो चीजें ये आपके एनसीईआरटी कर रही, उसी को अब हम फिगर के थ्रू चल रहे हैं और थोड़ा सा डिटेल चल रहे हैं, आप समझिए। हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखिए उसने क्या कहा, एसेक्सुअल नहीं होता, तो हम लोग भी कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने क्या कहा था, दो वेजिटेटिव माइस्टर, इसको एडवांस फंगी क्यों कहते हैं, इसलिए एडवांस फंगी कहते हैं कि आप जानते हैं जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो स्पोर बन रहे हैं, दो आपके मेल हैं, दो आपके फीमेल हैं, इसलिए इसे कहते हैं एडवांस फंगी। बाकी इसके पहले आप देखिए एस्ट्रोमाइसिट्स में ऐसा नहीं था, ओमाइसिट्स में ऐसा नहीं था, जाइगोमाइसिट्स में ऐसा नहीं था, फाइटो में ऐसा नहीं था। समझ में आया सौरभ? सौरभ चल, चलो यहाँ चलते हैं। तो हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस पढ़ा था, सोमैटोगैमी। तो यहाँ पे कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सोमैटोगैमी टाइप होता है, देखेंगे इसमें कैसे होता है। ये कहाँ पे होता है, तो आप कह सकते हैं ये आपका होता है बैसिडियोमाइसीट्स में होता है। और उसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें कौन कौन से फंगस में होता है, Ustilago में होता है, तो एनसीईआरटी में दिया भी Ustilago दिया है। दूसरा किसमें होता है, Agaricus, जो मशरूम के नाम से दिया आपके एनसीईआरटी में, Agaricus। अगला कौन सा होता है, पॉलीपोरस। ये भी आपने एनसीईआरटी में दिया है। अगला कौन सा होता है, लाइकोपर्डॉन, लाइकोपर्डॉन। इतने फंगस में ये आपका सोमैटोगैमी होता है जो आपने एनसीईआरटी में दिया है। चलिए अब इसमें होता क्या प्रोसेस हम देखते हैं। ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात कर ली, क्या होता है टू वेजिटेटिव से पहले। अच्छा फिगर बना लें, आप ये नोट कर लें, पहले फिगर बना लें तब थ्योरी, आपको और समझ में आएगा। एनसीईआरटी कह रही है उससे पहले थ्योरी बना लें, फिगर बना लें। हो गया ये, ओके चलो चलो पहले फिगर बनाओ, ठीक है, तो ये और समझ में आएगा। पॉजिटिव स्ट्रेन प्राइमरी माइसीलियम नेगेटिव स्ट्रेन प्राइमरी माइसीलियम अब कंडीशन क्या होगा, दोनों कंडीशन क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। जो आप एनसीईआरटी करी हम उसी को बना रहे हैं, प्लाज्मोगैमी होगा। प्लाज्मोगैमी क्या होगा तो आप जानते हैं, हम ये बना देंगे ये कंडीशन आपको। ये कंडीशन में फिर इसके बाद क्या होता है क्लैम्प कनेक्शन। तो आपको पता है क्लैम्प कनेक्शन कैसे क्या होता है। इससे आप लोग सहमत हैं, इतना सबको समझ में आया। बोलो स्टेप बाई स्टेप समझोगे ज्यादा सही रहेगा। इतना सबको समझ में आया। चलो अब देखो फिर हम इसी को शॉर्ट करें, हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये संरचना बन जाएगी। बोलो यार जल्दी बोलो, तो बन जाएगा ये। सौरभ जी बोलो, बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। सौरभ अध्यास जी सौरभ बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे, क्लैम्प कनेक्शन। इसे क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक। अब क्या होगा, प्रत्येक डाइकैरियोटिक स्टेज से आपको डेवलप करेगा बन गए सब बेस्ट। और जो न्यूक्लियस देखिए ये था, ये मूव करके ऊपर आ गया, वहां पे बेस्ट। अब इस बेसिडियम में क्या हो जाएगा, कैरियो गए। जब कैरियो गए नहीं होगा तो आपका सबको ये समझना पड़ेगा। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते। अब एक बैसिडियम हम बताएंगे क्या होगा, एक बैसिडियम था, यहाँ पे क्या होगा मियोसिस, जो मियोसिस होगा कितने बनेंगे चार, तीन, चार, और प्रत्येक में एक एक बने। क्या सबको समझ में आया? ना समझ में आया? बोलो। जी आद्या सौरभ कितना समझ में आ सकता है? चलो अब क्या होगा, आप जानते हैं ये दो आपके कैसे हैं पॉजिटिव, ये दो कैसे हैं निगेटिव। अब जब यहाँ से निकलेंगे आप कहेंगे कितना बनेगा, दो बन गया आपका, पांच हो गया निगेटिव बैसिडियोस्पोर, ये दो आपका हो गया, पॉजिटिव बैसिडियोस्पोर। अब ये क्या होगा पॉजिटिव, ये जर्मिनेट करेंगे इसको बनाएंगे, और ये जर्मिनेट करेंगे इसको बनाएंगे। आप बना लीजिए एक बार, समझ लीजिए, जिसको जहाँ पे डाउट हो बताइए, हम फिर पूरी साइकिल पूरा फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। जिसको जहाँ पे डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो बताइए, हम एक्सप्लेन करें। अच्छा आप जैसा हो गया, और किसी का हो गया। इसमें सबको समझ में आ गया? आगे चलें, रब करें, या किसी कहीं डाउट हो बताइए। फिर से देखिए हमने क्या कहा, ये दो प्राइमरी माइसीलियम है, दोनों में प्लाज्मोगैमी हुआ, यूज किए, इसके दो सेल बन गई। अब ये सेल हमने वही बताया था क्लैम्प कनेक्शन या हुक की तरह बनेगा, पूरा प्रोसेस चलेगा। यहाँ इस तरह आपके दो बन गए, यहाँ पे देखिए दिखाया गया दो सेल दो सेल। अब प्रत्येक इसी सेल से क्या होता है एक आउटग्रोथ निकलता है, उस आउटग्रोथ क्या कहते हैं बैसिडियम। देखिए दो न्यूक्लियस हैं सब में। अब इस बैसिडियम में क्या होता है कैरियोगैमी, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं। इसी बैसिडियम में क्या होता है, मियोसिस चार बनते हैं जो आउटग्रोथ के द्वारा बाहर निकल आते हैं, दो आपके पॉजिटिव दो आपके निगेटिव। अब जब ये ब्रस्ट करते हैं पॉजिटिव ये हो गए निगेटिव ये हो गए। अब ये बनाएगा प्राइमरी माइसिलियम पॉजिटिव स्ट्रैंड, ये बनाएगा प्राइमरी माइसिलियम स्ट्रैंड। समझ में आ गया सबको? जल्दी मैसेज करो आप जरा, सुजीत सौरभ समझ में आ गया बताओ आगे। अमीषा ओके चलो नोट करो अब, देखो हमने पूरा फिगर्स बता दिया अब वही चीज नोट कराएंगे। तो लिखो पहले 2 GTT cell of different strain, cell of different strain are genotype type come close to each other there apical in the fuse bracket plasma vein to form dikaryon. Next, now with the help of Clamp connection, all cell of mycelium become bimutate or are dikaryotic and each cell formed club-shaped structure known as Basidium. Next point. Now karyogamiosis. Now karyogamiosis and meiosis occur in Basidium. Basidium from diploid Basidium एक बस करेक्शन पर लिखो क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर हम इसको लिखेंगे। थोड़ा सा करेक्शन पर समझ जाओ। चलो फिर लिखते हुए ऐसे लिखेंगे अलग अलग बहुत लंबा होगा। नाउ कैरी गई एंड आपका इन बैसिडियम पहली गर्मी होगा बैसिडियम में और मियोसिस दोनों होगा। पहली गर्मी फॉर्म अब यहाँ से फॉर्म क्या बनाएगा? डिप्लॉयड बैसिडियम, एंड बाइम्योसिस और एप्लाइड बैसिडियोस्पोर डेवलप और एप्लाइड बैसिडियोस्पोर डेवलप। ये हो गया। अभी एक पॉइंट लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? बैसिडियोस्पोर ऑन जर्मिनेशन सराउंडिंग फंगल हाइपा बैसिडियम सराउंडेड बाय हाइपा हाइपा बैसिडियो कार बॉडी। नेक्स्ट Basidium on gel form primary mycelium अभी हम देखेंगे बैसिडियोस्पोर डेवलप एक्सोजीनस खत्म हो गया आपका बैसिडियोमाइसिस। आप पूरा नोट कर लीजिए, जिसको जहां पे डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए। अच्छा, आध्या का डन हो गया। आप कोई मैसेज करो भी अगर हो गया हो तो। ओके, अब किसी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो बताओ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम नोट कराएंगे। इसमें किसी को कुछ डाउट प्रॉब्लम हो बताओ, नहीं तो ठीक है, किसी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम हो बताओ, और नहीं तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कराओ। कुछ डाउट हो कुछ भी हो बताओ, नहीं फिर बताओ हम रब करके कुछ पॉइंट्स नोट कराओ। जल्दी बोलो। अरे बोलो, रब करें या किसी कुछ डाउट है कुछ तो बताओ यार। लोग बोल ही नहीं रहे तो लोग रब करें। नो डाउट, ओके आद्या, तुरंत बोल दिया करो बेटा ना। चलो लो अमीषा लास्ट पॉइंट समझा दी। देखो अभी तुम करी नो डाउट, इनका लास्ट पॉइंट कौन सा है? चलो देखो अमीषा कौन सा, यही वाला? बोलो अमीषा, इसी की बात कर रही हूँ ना? यस। आद्या बताओ क्या है ये? आद्या बताओ ये क्या है? चलो माइक ऑन कर बोलो आद्या क्या है? आद्या, सौरभ, कौन बताएगा? अमीषा ने पूछा लास्ट पॉइंट। माइक ऑन कर तुम बोलो, कौन बताएगा? सर बैसिडियोस्पोर एंजियोजेनियसली डेवलप करते हैं। उसका मतलब क्या होगा बेटा, ये तो बताओ ना। एक्सोजीनस लिखा हुआ है, एक्सोजीनस, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए किसी को नहीं पता है, आपको भूल जाते हैं। कौन बताएगा? सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, आउटर स्पोर डेवलपमेंट। देखो ओके आद्या, वेरी गुड। चलो देखो यार अमीषा, हमने क्या कहा, जैसे ये आपका बैसिडियम था, समझो अमीषा, अगर इसके ये बाहर बनेगा स्पोर तो इसे कहेंगे एक्सोजीनस, ठीक है। अगर यही स्पोर इस बैसिडियम के अंदर बनता यहाँ पे तो कहते इंडोजीनस। क्या कहते? इंडोजीनस। समझ में आया अमीषा? देखो हमने आपसे बताया था कि आप कोई वर्ड नया मिले तो आप मीनिंग को तोड़ेंगे। एक्सो मतलब बाहर होता है, इंडो मतलब अंदर होता है, जीनस मतलब होता है डेवलपमेंट। जीनस मतलब क्या होता है? ओरिजिन या डेवलपमेंट। समझ में आया? ओके चलो अब देखो जो हम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बैसिडियोमाइसीट से इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बैसिडियोमाइसीट का, एक एक करके। सबसे पहली कंडीशन आपसे पूछा जाता है कि खाने वाला मशरूम कौन सा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस ये इसका जीनस है, कैम्पेस्ट्रिस है। कैम्पेस्ट्रिस जो आप खाते हैं उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है। क्या है? कॉमन फील्ड मशरूम, कॉमन फील्ड मशरूम, हैव ईटेबल बैसिडियोकार, हैव ईटेबल बैसिडियोकार। अब आपसे एक चीज पूछा था कि मशरूम का हम क्या खाते हैं, तो आप कहेंगे बैसिडियोकार खाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटीन। दूसरी चीज, खाने वाले मशरूम का नाम क्या है? एगेरिकस, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसमें कभी पूछा दिया जाएगा कि अगेरिकस या मशरूम में जो हम खाते हैं, प्राइमरी माइसीलियम खाते हैं कि सेकेंडरी? प्राइमरी माइसीलियम वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जानते रहिए, या सेकेंडरी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ होता है? अंडर सॉयल, जो आप देखते नहीं, ठीक है। और ये क्या बनाता है? बैसिडियोपार। हम क्या खाते हैं? सेकेंडरी माइसीलियम। समझ में आ गया? हमेशा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैसेज डालते रहा करो यार, क्लियर होगा। चलो ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, पक्सीनिया के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पक्सीनिया भी एक फंगस है, बैसिडियोमाइसिट्स का आप लिखेंगे पक्सीनिया। इसे क्या कहते हैं? रस्ट साइकिल या रस्ट फंगस। तो पक्सीनिया तुम्हारे दिया है एनसीईआरटी में, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नहीं दिया, एगेरिकस दिया है, पक्सीनिया नहीं दिया क्या जी? दिया है, देखो ये रस्ट फंगस दिया है ना। इसके बारे में देखो, ये पूछा जाता है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, देखोगे, डिस्कवर्ड बाय एसी मेहता, क्वेश्चन पूछा गया है। पक्सीनिया, क्योंकि पक्सीनिया आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एसी मेहता के द्वारा डिस्कवर। उस्टिलागो भी दिया, चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले पक्सीनिया देखते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इस पक्सीनिया को रस्ट फंगस क्यों कहते हैं? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो ये रस्ट फंगस है, कहाँ उसके साथ डिजीज होती है, क्या नाम उसका, प्लेट रस्ट ऑफ फीट। इसके द्वारा जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? प्लेट रस्ट ऑफ फीट। ये ध्यान रखो, देखो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया से एग्जाम्पल दे दिया है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी गए। अब होता क्या है, कभी कभी आप देखे होंगे जो गेहूं की बाली होती है, आप देखे होंगे गेहूं की बाली ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, जल्दी बोलो, यहाँ से ऐसे ऐसे निकले जाए। अब अगर आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की हो जाती है, या ब्लैक कलर का पाउडर दिखाई देता है, ये ब्लैक हो जाती है, ठीक है, ये ब्लैक हो जाती है, या हम कह सकते हैं ब्लैक कलर का पाउडर दिखाई देता है। ये इस तरह से ये जो ब्लैक हो जा रहे हैं, यही आपका पक्सीनिया फंगस। ठीक है, ये समझिएगा। इसी को क्या कहते हैं? हेट्रोसियस फंगस। कभी क्वेश्चन आ जाए कि हेट्रोसियस फंगस कौन सा है, ध्यान दो, क्या कहते हैं? हेट्रोसियस फंगस। इसको कहते हैं पक्सीनिया। हेट्रोसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल कंप्लीट ऑन टू होस्ट। जब किसी फंगस की लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट हो, इसके दो होस्ट कौन से हैं? एक पे ग्रो करता है वीट पे, वीट प्लांट पे, दूसरा ये ग्रो करता है वाइल्ड प्लांट, जिसे कहते हैं जंगली पौधा, और वो कौन सा है? बरबरी प्लांट। इतना आप यहाँ पे ध्यान इतनी चीजें पूछी जाती हैं, पक्सीनिया से पूछी जाती है। अगर हो जाए तो बताइए, हम आगे चलें। और दूसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया अस्टिलैगो, इसका जीनस हो गया और स्पीशीज क्या है नूडा TTC। कभी पूछ दे इसके द्वारा कौन सी डिजीज द्वारा, तो आप कहेंगे लूज स्मट ऑफ फीट। ये ध्यान देना अस्टिलैगो द्वारा होता है लूज स्मट, पसिनिया द्वारा होता है रस्ट। एक चीज और ध्यान देना, ये क्या कहते हैं कौन सा है अस्टिलैगो हार्डी, अस्टिलैगो हार्डी ये भी इसकी स्पीशीज है हार्डी, ये जीनस है, इसके द्वारा होता है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ये डिजीज के नाम है। एक और आपको ध्यान देना है अस्टिलैगो सिटामिया, इसके द्वारा जो डिजीज होती है बिग स्मट ऑफ सुगर। बस खत्म हो गया आपका बेसिडियोमाइसिट्स। अब एक बचा है ड्यूट्रोमाइसिट्स, वो छोटा सा है, कल हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये आपका खत्म हो गया क्या चीज फंगस, तो इसके बाद हम लोग का क्या है फंगस के बाद वायरस प्रियॉन्स लाइकेन, तो हम लोग पढ़ेंगे वायरस प्रियॉन्स लाइकेन क्या कहाँ ये छोटा सा दिया है। चलो हो गया इतना सबका। तो ये हम बार बार कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना डिटेल था हमने सब पढ़ा दिया जो आपके एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, जितना आपसे पूछा है। किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो बताइए। क्लास को ऑफ करें। बोलिए सौरभ, आद्या, अमीषा, ओके बाय बाय, थैंक्स सभी को। फिर मिलेंगे क्लास।